अब हम अगर बात जिस तरह से सास और बहू के आपस के ताल्लुकात की बात की जा रही है जनाब, जो मनफी रवैये हैं बहुत ज्यादा इस हवाले से देखने में आते हैं, उसके मनफी असरात भी मुरतब होते हैं दोनों की शख्सियत पर और ओवरऑल उस खानदान पर तो होते हैं, पूरे सोसाइटी पर भी होते हैं। क्या फरमाएंगी? जुनैरा, अभी जुनैरा ने बड़ी अच्छी एक बात की और जो किस्सा सुनाया कि ये एक हकीकत है। और जब मैं भी ये जब कभी बात करती हूँ कि भाई आप पे सास की या ससुराल वालों की खिदमत फर्ज नहीं है, लेकिन शोहर की खिदमत, उसका ख्याल रखना तो फर्ज है ना। आपके शोहर पे वो खिदमत फर्ज है, तो अगर आप अपने शोहर को फैसिलिटेट करना चाहती हैं, उसको जन्नत दिलवाना चाहती हैं, तो आपको चाहिए कि आप उसके काम में उसके लिए आसानियां पैदा करें। कि जाहिर है वो दफ्तर से आ रहे तो वो आके अपनी माँ की उसने खिदमत नहीं कर सकता, वो काम आप उसके बिहाफ पे सर अंजाम दे दें। और फिर हम एक चीज भूल जाते हैं ज़ैनब, बात करते हुए कि हुकूको लिबाद जी, कि ठीक है सास ससुर की खिदमत फर्ज नहीं, लेकिन हुकूको लिबाद को अल्लाह ने कितना बड़ा दर्जा दे दिया। तो ये सोचें कि अब क्या हक है उनका आपके ऊपर, कि उनका बेटा आपकी जिंदगी में है। और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड समझती हूँ कि जितना मेरे वालदैन अच्छे थे उतने ही मेरे सास ससुर अच्छे थे। अल्लाह चारों को जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन। जो भी जुनैरा ने बात की कि सासें ये कहती हैं बहुओं के बारे में, मेरे ससुर हमेशा हर महफिल में खड़े होकर कहते थे अपनी बेटियों को कि ये घर मेरी बहुओं का है और उन्हें मेरी नस्लों को लेके चलना है। क्या मतलब इतनी बड़ी उन्होंने, और हमें वो फील होता था कि ही हैज गिवन अस सम रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वी हैव टू लॉयल विद हिम। तो वो खुद ब खुद आपके अंदर ना, जब आपको कोई इतनी महम, पहले भी उन्हें स्पेस की बात की थी, जब आपको इतनी स्पेस दी जाती है तो अगर अच्छे सोल हैं आप, वो इवल सोल आपका नहीं है, तो आप उस स्पेस को अच्छा बनाते हैं। और यही हाल है कि एक मरतबा मैं अपनी सास मेरे साथ डॉक्टर के पास जाती थी, तो माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत खातून थी वो, बाहर से भी और अंदर से भी, मैं कहती हूँ उनका जाहिर और बातिन दोनों बहुत खूबसूरत था। तो बकौल मेरी अम्मा के जन्नत की हूर लगती है तुम्हारी सास, तो बैठी हुई थी। तो लोग मुमन ये शायद नहीं सोचते कि कोई बहू किसी सास को लेकर आ सकती है डॉक्टर के यहाँ। तो उन्होंने मुझसे पूछा ये आपकी माँ है, तो अम्मी है, मैंने कहा नहीं ये मेरी सास है। तो मेरे हस्बैंड साथ थे वापसी, मुझे कह लगे तुमने क्यों बोला कि ये तुम्हारी सास है, क्यों नहीं बोला तुम्हारी माँ है? मैंने कहा इसलिए कि लोगों के दिमाग से ये चीज उतरे कि एक बेटी ही माँ को लेकर आ सकती है, एक बहू नहीं ला सकती। तो हम मनफी रवैयों की बात कर रहे थे, अब अगर अच्छे ताल्लुकात नहीं है कहाँ कहाँ, एक तो शोहर पे उसके असरात होते हैं जाहिर, फिर बच्चों पे होते हैं। उसी तरफ अभी आ रही थी कि आप उसको वो दर्जा तो दीजिए ना, वो मोहब्बत तो दीजिए। और देखो अगर इख्तलाफ है भी दोनों में से किसी तरफ भी, तो इस बात को हमेशा याद रखें कि इख्तलाफात के बावजूद किसी से अच्छी तरह पेश आना ये कमजोरी नहीं होती, ये बेहतरीन तरबियत और आपके खानदानी होने की दलील होती है। तो अगर बहू बदतमीजी कर रही है और सास उसको जरा सा बर्दाश्त करके उसको इग्नोर कर रही है, तो वो कब तक करेगी? और अगर सास इस तरीके से कर रही है और बहू उसको बर्दाश्त करके फिर भी उसकी इज्जत कर रही है, तो कम से कम जो औलाद है वो ये जरूर देखती है कि यार मेरी माँ ने घर को एक अच्छा बनाने में, कि अगर मेरी फूफी अच्छा नहीं कर रही या मेरी दादी अच्छा नहीं कर रही, बट माई मदर इज स्टिल डूइंग गुड। आप एक बहुत पॉजिटिव सोल को डेवलप कर रहे होते हैं, आप अपने हस्बैंड के लिए एक, फिर मैं वही कहूंगी, सहूलत कार बन जाते हैं कि वो घर आते हैं तो उसे घर जो है वो जंग का मैदान नहीं लगता, कि दरवाजे पे माँ भी खड़ी हो गई और वो भी खड़ा हो गया। और एक हदीस यहाँ जरूर कोट करना चाहूंगी, क्योंकि हमारे यहाँ कभी कभार बच्चियां बहुत ज्यादा बदज़बानी करने लगती है। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत के रोज बदतरीन शख्स वो होगा जिसकी बदज़बानी के डर से लोग उससे मिलना छोड़ दें या उससे बात करना छोड़ दें। तो कभी भी आवाजों को ऊंचे करते हुए, किसी के साथ बदज़बानी करते हुए ये जरूर सोच लीजिए।